बहुत से लड़कों की भी यही ख्वाहिश होती है कि लड़कों का कलर भी बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाए। मार्केट से लोकल क्रीमें उठा लेते हैं जो कहते हैं कि 7 दिन में ये आप लोगों का रंग गोरा कर देंगी। अगर आप लोगों को असर नहीं होगा तो मनी बैक गारंटी है इस क्रीम की। ये क्रीम आप लोग वापस ले आइएगा, आपके पैसे हम आपको वापस दे देंगे। वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। दिस इज मी खुशबख्त खान और मेरे चैनल का नाम है खुशबख्त खान। चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिल सके और आप लोग मेरी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो से फायदा उठा सकें। तो आज मैं अपने तमाम फ्रेंड्स के लिए, अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए क्या लेकर आई हूँ, बहुत जबरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। रेमेडी किस हवाले से है, बहुत सी लड़कियों की बहुत ख्वाहिश होती है कि उनका कलर जो है वो वाइट हो जाए। बहुत से लड़कों की भी यही ख्वाहिश होती है कि लड़कों का कलर भी बहुत ज़्यादा वाइट हो जाए। वाइटनिंग के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मार्केट से लोकल जो क्रीमें होती हैं, इस तरह की जो क्रीमें होती हैं वो उठा लेते हैं जो स्टीरॉयड से भरपूर होती हैं। हमें ये परवाह नहीं होती कि ये हमारी स्किन को किस तरीके से डैमेज कर सकती है और हमें सिर्फ ख्वाहिश होती है वाइट होने की। हमें बस वाइटनिंग चाहिए, चाहे हमारे चेहरे के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाएं, चाहे स्टीरॉयड्स हमारा चेहरा ख़राब कर दें, लेकिन वाइटनिंग तो चाहिए। इसी वाइटनिंग के चक्कर में बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के मार्केट से लोकल क्रीमें उठा लेते हैं जो कहते हैं कि 7 दिन में ये आप लोगों का रंग गोरा कर देंगी, 15 दिन में ये आप लोगों का रंग गोरा कर देंगी, आप लोगों के निशान, आप लोगों की छाइयां, ये तमाम ये खत्म कर देंगी। जो दुकानदार होते हैं हम लोग उनकी बातों का यकीन कर लेते हैं और वो इतने यकीन से कहते हैं कि अगर आप लोगों को असर नहीं होगा तो मनी बैक गारंटी है इस क्रीम की। ये क्रीम आप लोग वापस ले आइएगा, आपके पैसे हम आपको वापस दे देंगे। फिर होता क्या है कि आप लोग वो क्रीमें यूज करते हैं, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा फर्क नजर आने लगता है, आप लोगों को अपनी स्किन नीट लगने लगती है और जैसे ही वो क्रीमें आप लोग छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे पहले आप लोगों की स्किन पर क्या होता है, आप लोगों की स्किन पर हल्के हल्के स्पॉट्स नमूदार होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह के स्पॉट्स आप लोगों के चेहरे पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप थोड़ा सा धूप में निकलते हैं आप लोग देखते हैं कि आप लोगों को छाइयां आना भी स्टार्ट हो गई हैं और बहुत से लोगों की जो स्किन होती है वो अगर ब्लीच करते हैं वो क्रीमें लगाने के बाद तो उनकी स्किन जो है वो रेड होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा आप लोगों की स्किन जो है वो जल जाती है अगर आप लोग उन क्रीमों को यूज़ करने के बाद ब्लीच करते हैं। बाज़ औक़ात वो क्रीमें यूज़ करने के बाद आप लोग फेशियल भी करते हैं तो आप लोगों के चेहरे पर एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है जो कि चेहरे को एकदम से बहुत ज़्यादा सूजा देती है। आप लोगों का चेहरा सूज जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग सी महसूस हो जाती है। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये बात शेयर करने आई हूँ और आप लोगों को वाइटनिंग के हवाले से एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताने वाली हूँ। आप घर पर रहकर बहुत अच्छे से अपनी स्किन को वाइटन और ब्राइटन बना सकते हैं तो प्लीज़ इन क्रीमों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ा करें। अगर अपनी स्किन से मोहब्बत करते हैं, अपनी स्किन से थोड़ा सा भी प्यार है आप लोगों को तो आप लोग बाजारी ये जो क्रीम्स होती हैं इनको परचेज ना किया करें, अपनी स्किन को ख़राब ना किया करें क्योंकि ये स्टीरॉयड से भरपूर होती हैं और ये आप लोगों की स्किन को अंदर से डैमेज कर देती हैं। फिर आप लोग जितना भी मर्जी इलाज करवाएं, अगर आप लोगों को छाइयां वगैरह हो जाती हैं इन क्रीमों की वजह से बहुत बहुत मुश्किल से वो छाइयां आप लोगों की रिमूव होती हैं। वाइटनिंग के चक्कर में आप लोगों के चेहरे की और ही ज़्यादा बर्बादी हो जाती है। तो अपनी स्किन को डैमेज होने से बचाने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ वाइटनिंग की एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसको आप लोगों ने घर पर प्रिपेयर करना है, जिसको आप तमाम लोग जो भी वाइटनिंग के ख्वाहिशमंद हजरात हैं, जो भी वाइटनिंग की ख्वाहिशमंद लड़कियां हैं, वो तमाम लोग, लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चियां सब इसको यूज कर सकते हैं। टीनेज गर्ल्स भी इसको यूज कर सकती हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही फायदा आप लोगों को इस क्रीम का मिलेगा। ये कब कब अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है,
ये सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। आप लोगों के साथ ये रेमेडी शेयर करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिल सके और आप लोग मेरी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो से फायदा उठा सके। तो चलते हैं रेमेडी को रेडी करने की तरफ। आप लोगों को दो ही चीजें चाहिए, बहुत इजी रेमेडी है। किस तरीके से ये रेमेडी बनानी है, किस तरीके से ये रेमेडी अप्लाई करनी है, ये रेमेडी को प्रिपेयर करने के बाद फिर मैं आकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये वाली रेमेडी आप लोगों ने कब कब अप्लाई करनी है। अगर वाइटनिंग करना चाहते हैं, अपनी स्किन को वाइट बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये रेमेडी ट्राई करनी पड़ेगी। अगर सीरियस हैं अपनी वाइटनिंग के हवाले से तो ये वाली रेमेडी आप तमाम लोगों के लिए है, जो लोग वाइट होना चाहते हैं ये तमाम उन लोगों के लिए है। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप करके नहीं देखना, लास्ट तक देखना है ताकि तमाम प्रोसीजर आप लोगों को ठीक तरीके से समझ आ सके और आप लोग भी वाइटन हो सकें। तो ज्यादा देर नहीं करते, आइए आप लोगों को रेमेडी की तरफ लेकर चलती हूँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो व्हाइटनिंग क्रीम बनाने के लिए पहला इंग्रेडिएंट है कच्चा दूध, दूध कच्चा ही लेना है। और जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज का मौसम है, छिलके सुखा लीजिए, उनका पाउडर बना लीजिए और आप लोगों ने 1 टेबलस्पून ये डालना है कच्चे दूध में। दूध की क्वांटिटी है 3 टेबलस्पून, उसमें हमने शामिल किया 1 टेबलस्पून ऑरेंज पील पाउडर। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है। इसको यूज़ किस तरीके से करना है आगे वीडियो में समझिए। तो व्यूअर्स, हमारी जो व्हाइटनिंग की रेमेडी है वो हो चुकी है बिल्कुल रेडी और आप लोगों ने इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से हो जाएगी। आप लोगों ने ये रेमेडी अप्लाई किस तरीके से करनी है, आप लोगों ने चेहरे को अच्छे तरीके से वॉश करके, अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश करके, हाथों की मदद से इसको अपने पूरे फेस पर फैला देना है। पूरे फेस पर फैलाने के बाद आप लोगों ने 25 मिनट्स के लिए इसको लगा रहने देना है। तो इसको ड्राई होने के बाद आप लोगों ने धो लेना है सादे पानी के साथ। सादे पानी के साथ धोने के बाद आप लोगों ने रोज वाटर का स्प्रे अपने चेहरे पर कर लेना है। अगर आप लोग डे में ये वाली क्रीम अप्लाई कर रहे हैं, सनब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करना है। सनब्लॉक जो आप लोगों को सूट करता है आप लोग वो यूज कर सकते हैं। तो दिन में आप लोगों ने सनब्लॉक लगाना ही लगाना है, चाहे धूप हो चाहे धूप ना हो, लेकिन सनब्लॉक लगाना जरूरी है। और अगर नाइट में आप लोगों ने ये क्रीम अप्लाई की है तो फिर सनब्लॉक आप लोग नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से चेहरे को वॉश करके आप लोग रोज वाटर का स्प्रे करके सो जाएंगे। अब ये क्रीम आप लोगों ने लगानी कब कब है, इसको आप लोगों ने लगातार 10 दिन लगाना है। इसको आप लोग डेली लगाएंगे, 10 दिन डेली लगाएंगे और आप लोगों को अपनी स्किन जो है वो डे बाय डे वाइटन होती नजर आएगी। एक दिन में जादू नहीं होना, 2 दिन में जादू नहीं होना, लगातार इसको 10 दिन आप लोगों ने लगाना है और आप लोग देखेंगे कि एक अलग से खूबसूरती आप लोगों के चेहरे पर आ चुकी है और आप लोग व्हाइट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों ने ट्राई करके जरूर देखना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ढेर सारा सपोर्ट करना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेरों ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।